हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं और आप लोग अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं और अभी कुछ दिनों के बाद आप लोग अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो इसी दौरान मैंने सोचा क्यों ना मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के बारे में कुछ आप लोगों को बताऊँ। तो आज के वीडियो में मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अब तेजपुर यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप में से बहुतों को पता होगा, इट इज़ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था 1994 में। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है ये यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंडर में है। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है कि तेजपुर कहाँ पे है, तो तेजपुर आसाम में है। ठीक है, तो तेजपुर एक डिस्ट्रिक्ट है और तेजपुर के एक जो एरिया है नापाम करके, वहाँ पर इसका लोकेशन है। ठीक है, और ये जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है ये मतलब अगर रैंकिंग में देखें तो रिसेंटली जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुआ था तो उसमें इसका 35 रैंक आया था और रिसर्च जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके रैंकिंग में भी इसका अच्छा रैंक है, रैंक 4 आया था। तो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जो आमतौर पे अगर रिसर्च लेवल में अच्छा है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा ही माना जाता है और तेजपुर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। अच्छा, यहाँ पर जो वीडियो मैंने बनाया है स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जो लोग मतलब अभी क्लास 12 से मतलब हायर स्टडीज़ के लिए जाने वाले हैं, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में तो मतलब अलग अलग कोर्सेज हैं, रिसर्च लेवल के कोर्सेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी कोर्सेज हैं, बट ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में ही मैंने बनाया है। तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, एक है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपके BTech के कोर्सेज हैं और फिर साइंस डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड MSc कोर्सेज हैं और BSc प्लस BEd के कोर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलें कि BTech के कोर्सेज, तो BTech कोर्स यहाँ पे क्या क्या ब्रांचेस हैं, वो हैं सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सभी ब्रांचेस में ऑलमोस्ट 68 सीट्स हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल में 38 है। ठीक है, और फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 56 है, बाकी सब में 68 सीट्स हैं। जो BSc BEd कोर्स है वो मतलब केमिस्ट्री, BSc BEd इन केमिस्ट्री, BSc BEd इन मैथ्स, BSc BEd इन फिजिक्स, तो इसमें हर कोर्स में 13-13 सीट्स हैं, 13 सीट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड MSc कोर्स जो है 5 ईयर्स कोर्स, अगेन ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और लाइफ साइंसेस में है और इसमें हर कोर्स में 25 सीट्स हैं। ठीक है, तो जो BSc BEd के कोर्स हैं और या इंटीग्रेटेड MSc का जो कोर्स है, ये सारे कोर्सेज 5 ईयर्स ड्यूरेशन के हैं और इनके लिए आपको अलग से एक एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं TUEE एंट्रेंस। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस होता है बेसिकली 2 आवर ड्यूरेशन का होता है और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क और हर गलत आंसर के लिए आपको -0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 मार्क्स आपका कटता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका TU का जो एंट्रेंस पैटर्न है। ठीक है, तो इसका मैंने ढूंढने का कोशिश किया था कि अगर पुराने पेपर्स कहीं से मिल पाएँ, तो वो मैं गूगल में ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, तो एक साइट है freshersnow.com, उस साइट में कुछ क्वेश्चंस मैं देखे थे बट वो भी बहुत कम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मगर अगर इस पर अगर बोलें कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो मतलब मेरा मानना है कि इसका जो क्वेश्चन पेपर लेवल होगा वो मतलब अगर आप JEE मेन या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन पेपर्स से क्वेश्चंस थोड़े ईजी ही होंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ रिगार्डिंग BTech, अब BTech में यहाँ पे जो कंडीशन है वो है कि यहाँ पे आपको JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे 60% सीट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, और तो इनके लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी वाले से काउंसलिंग होता है और जो 40% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब जो जोसा का काउंसलिंग है, मतलब जोसा मतलब जो आप JEE मेन क्लियर रहेंगे तो उसका एक कॉमन काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो 40% सीट्स वहाँ से फिलअप होता है और 60% सीट्स फिलअप होता है थ्रू मतलब तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल काउंसलिंग है, ये 60% सीट्स मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है, अच्छा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BTech बोलिए या BSc BEd या फिर आपका इंटीग्रेटेड MSc, सबके लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। मतलब 10+2 आपको क्वालिफाई करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में, अगर जैसे लाइफ साइंसेस के कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है। इंजीनियरिंग के लिए तो PCM कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें आपका 60% मार्क्स, इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ पहले, 60% मार्क्स इसमें एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ओवरऑल 60% होना चाहिए और पास आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है, मतलब फिजिक्स, मैथ्स,
ठीक है। लैंग्वेज इसमें आपको कंपलसरी पास करना है, केमिस्ट्री में अगर पास करना है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में आपको पास करना है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स अप्लाई किया है, मतलब बीएससी बीएड या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स अप्लाई किया है, तो उसका भी एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम ही है, मतलब 60% मार्क्स आपको लाना ही है, ठीक है। अब रिगार्डिंग एससी एसटी ओबीसी, इसके लिए प्रोस्पेक्टस में मेरे को कुछ अलग क्राइटेरिया मैं ढूंढ नहीं पाया, मतलब इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। तो मगर आमतौर पर मतलब 5% 10% का इसमें डिफरेंस होता है, मगर यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस में इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मतलब कि अलग कैटेगरी के लिए। तो जनरल जनरल रिमार्क दिया हुआ है कि 10+2 पीसीएम में 60% होना चाहिए एग्रीगेट टोटल परसेंटेज, और आपको इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जेई मेन। अब बीटेक के लिए अगर आप जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो मतलब रैंकिंग आपका किस हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, यहाँ पे किसी एक स्टेट से हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मली आपका अगर रैंक विद इन 1 लाख है, ऑल इंडिया रैंक विद इन 1 लाख, ठीक है, तो देर इज अ चांस कि आपको यहाँ पे तेजपुर यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात बोलूँ तो आजकल तो परसेंटाइल मिलता है, तो परसेंटाइल में मतलब नियर अबाउट 80% एक सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के लिए। वेर एस जो ऑल इंडिया कोटा है, ऑल इंडिया कोटा में तो 40% सीट आपका बीटेक का ऑल इंडिया कोटा से ही जाएगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा में मतलब जो लास्ट ईयर का मैंने जो कट ऑफ देखा है, तो वो लगभग मतलब 50,000 रैंक इज़ अ सेफ रैंक, ठीक है। 50,000 के आसपास अगर है तो मतलब ख़राब से ख़राब सिचुएशन, मतलब तो 50,000 47,000 48,000 50,000 के आसपास में आपको यहाँ पे सीट मिलने का चांस है एज़ पर 2019, ठीक है। तो उसमें अगर मतलब प्लस माइनस 5% इधर उधर हो सकता है, बट 50,000 मतलब अगर मान लें मतलब 40,000 मतलब होगा तो श्योर शॉट आपको 40,000 रैंक, अगर ऑल इंडिया रैंक 40,000 के आसपास है तो आपको सीट तो मिलना ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया रैंक का बात जेई के थ्रू के, ठीक है। रिगार्डिंग फीस स्ट्रक्चर, तो जो फीस है वो मतलब बीटेक का जो फीस है वो एडमिशन फीस है आपका 33,000 के आसपास, ठीक है। और जो सेमेस्टर फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब अलग अलग ब्रांचेस के लिए थोड़ा इधर उधर है, बट अप्रॉक्सीमेटली वो 26,000 के आसपास है, ठीक है। जो बीएससी बीएड के कोर्स हैं और जो इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स है, उसमें आपका जो एडमिशन फीस है वो मतलब 20-21,000 के आसपास है, और जो सेमेस्टर फीस है वो 15,000 के आसपास है, ठीक है, पर सेमेस्टर। थोड़ा इधर उधर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हॉस्टल फीस स्टेट नहीं किया है, वो आप प्रोस्पेक्टस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब लगभग 3,700 सीट्स आपके हॉस्टल में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, रिगार्डिंग जो फी स्कॉलरशिप, अब फीस इतना कुछ लोगों को ये फीस ज़्यादा लग सकता है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, जो TUE एग्ज़ाम है उसके बारे में एक बार फाइनली और एक बार बता दूँ आपको कि जो एग्ज़ाम है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। प्लस 1 मार्क करेक्ट अगर है, और अगर रॉन्ग किया है तो -0.25, मतलब 1/4 मार्क्स आपके जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे अगर आप तेजपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के चाहते हैं, तो आपको लास्ट डेट जो है वो अप्रैल 7 है, ठीक है। और जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट टेस्ट डेट है, वो 29 और 31 मई के बीच में होगा, ठीक है। और जो रिज़ल्ट होगा वो टेंटेटिवली एज पर द वेबसाइट वो 26 जून 2020 को आएगा, ठीक है। तो ये थे डिटेल्स रिगार्डिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी। और एडिशनली आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनका रिप्लाई देने के लिए। माई बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक।